हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप देख पा रहे हैं ये फील्ड डिस्क का बॉक्स है और इस पे देखिए सिग्नल कैसे अटक अटक के चल रहा है, मतलब पूरा क्लियर नहीं दिखा रहा है। तो ये प्रॉब्लम समझते हैं कि एंटेना से हो रहा है, पर ये एंटेना से नहीं होता है, ये बॉक्स से भी हो सकता है जो हम लोग का जो फील्ड डिस्क का बॉक्स है। तो देखिये मैं कोई दूसरा चैनल भी लगा के दिखा देता हूँ, तो देखिये सभी चैनल ऐसे ही अटक रहे हैं। तो अगर आप एंटेना हिला के भी देख लिए हो कि अगर ये चीज नहीं सही हो रहा है तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, ये वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। एक कोई भी चैनल लगा लीजिएगा तो इस तरह ही आपका अटकेगा। तो कैसे समझिए कि आपका ये अटकने वाला प्रॉब्लम जो है एंटेना से नहीं, ये बॉक्स से हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक तो सिग्नल बोल के बटन होता है रिमोट में, तो वो सिग्नल का बटन टिपेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे का लाइन में, अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे देखिए सिग्नल क्वालिटी लिखा हुआ है। यहाँ देखिए 30, 27 बहुत स्पीड में अगर फ्लक्चुएट कर रहा, कम बेसी बहुत स्पीड में अगर हो रहा होगा, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए जहाँ सिग्नल क्वालिटी लिखा हुआ है वहां देखिए बहुत जल्दी स्पीड में अप डाउन हो रहा है। देखिए कभी 40 चल जा रहा है, कभी 22। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपका ये जो फील्ड डिस्क का बॉक्स है उससे होता है, ना ही कि एंटेना से। तो चलिए मैं आपको इसे अब रिपेयर करके दिखा रहा हूँ कैसे ठीक कीजिएगा इसको। तो सबसे पहले आपको ये बॉक्स को पूरा खोल लेना है, तो मैं इसको खोल ले रहा हूँ अब। इसका जो सब पीछे तार होता है वो सब खोल लीजिएगा, मैं इसका खोल ले रहा हूँ यहाँ से देखिए। देखिए एंटेना का जो तार आता है वो भी मैं इसको यहाँ से खोल ले रहा हूँ। अब ये देखिए फटाफट इसको खोल लेना है। अब ये देखिए खोल लेने वाला, इसमें जो सबसे चीज जो है खराब हो जा रहा है इसके लिए, मतलब सिग्नल अटक अटक के आता है वो देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर जो लगा रहता है सबसे बड़ा करके, वही वाला थोड़ा सा मतलब खराब हो जाता है या उसका पावर कम जाता है, तो इसलिए सिग्नल अटक अटक के आता है। तो देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे होगा। ये देखिए यहाँ पे जो चार्ट, तो देखिए यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, देखिए 1, 2, 3, 4 डायोड है, उसी का बगल में रहता है कैपेसिटर, वही कैपेसिटर बदल दीजिएगा तो सही हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको निकाल के अभी ये बदलूंगा। तो देखिए यहाँ पे ये सब जो है मैं दिखा दूं आपको, तो ये सब जो है ये क्लिप है, ये वाला इधर देखिए सादा करके ये सब क्लिप है, तो इसको चाप के निकाल लेना पड़ता है। ये देखिए दोनों तरफ इस तरह इस चापेंगे तो निकल जाएगा। ये देखिए इस तरफ भी है, इस तरफ दोनों एक साथ चापेंगे तो निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से मैंने, यहाँ से देखिए बोर्ड मैंने इसको निकाल लिया हूँ, निकाल के अब ये कैपेसिटर मैं यहाँ से हटा के दूसरा कैपेसिटर लगाऊंगा। देखिए इसका वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ, देखिए 450 वोल्ट है, 47 UF है, तकरीबन यहाँ पे 350 से आप 450 वोल्ट का भी कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से ये कैपेसिटर निकाल लिया हूँ। ये देखिए मैं यहाँ से खराब वाला निकाल दिया, देखिए मेरे पास एक और कैपेसिटर है जो इसका वैल्यू मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए 400 वोल्ट का है। तो मैंने जैसे बताया कि 350 450 वोल्ट का भी लगा दिएगा तो चल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला जो इस तरह एक पट्टी रहता है वो माइनस का रहता है, और यहाँ पे भी देखिए एक दाग है ये वाला, तो जो दाग है ये वाला दाग जो है यहाँ पे पट्टी यही वाला यहाँ पे लगेगा, ये माइनस का दाग होता है। इस तरह यहाँ पे मैं इसको सेट कर दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे फिर से सोल्डर सही से कर दिया हूँ, बस अब कुछ नहीं करना, बस इतना ही सिंपल काम आपको करना है, इसमें ही आपका सिग्नल का जो प्रॉब्लम है सही हो जाएगा। अब जैसे था उसको फिर से फिटिंग कर देंगे।
चलिए अब इसे लगा के दिखा देता हूँ आप कैसे चल रहा है। अब ये देखिए इसका हम जो एंटेना का था इसे मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ इसमें। अब ये जो आपका साउंड का और वीडियो का जो था इसको मैं कनेक्ट कर दिया। अब चलिए मैं इसको चालू करके दिखा रहा हूँ आपको। देख सकते हैं आप कोई भी अटक नहीं रहा हम लोग का चैनल। देखो दूसरा चैनल भी मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए सब देखिए सही चल रहा है कुछ भी अटक नहीं रहा है। अब ये जो आपको हल्का हल्का सब ब्लिक ब्लिक दिखा रहा है वो मेरा कैमरा का वजह से हो रहा है, पर टीवी सही नॉर्मल चल रहा है चलेगा आपका भी इस तरह। मैं आपको सिग्नल का भी बटन अभी प्रेस करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए उस समय पहले जब मेरा टीवी था देखिए कितना स्पीड अप डाउन हो रहा था, अभी देखिए 48 तो 49 ऐसा कुछ दिखा रहा है। ये देखिए 49 देखिए एक देखिए कम बेसी स्पीड में नहीं हो रहा है। देखिए इस तरह आप कोई भी टीवी में नेटवर्क कम बेसी हो रहा होगा या सिग्नल कम बेसी हो रहा है तो ठीक कर सकेगा। तो मिलते हैं फिर आप नए वीडियो में आप लोग से।